बीजेपी का बड़ा दाव सियासत में पलटेगा पन्ना। पूर्व सीएम एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर अब बीजेपी नीत एनडीए में शामिल हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने यह घोषणा की है। कर्नाटक के लिए यह गठबंधन चुनाव में बड़ा बदलाव ला सकता है। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरजेडी को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 सांसद है जिसमें 20 सांसद ओबीसी है और उन्हें लोकसभा में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि ओबीसी को नौकरी सेवा और कॉलेज प्रवेश में आरक्षण की आवश्यकता है जो उन्हें पहले से ही प्राप्त है। आरजेडी के लोगों का उद्देश्य था कि बिल पास न हो। चीन के अरुणाचल मुद्दे का भारत ने दिया जवाब। चीन ने एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल की 3 खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया लेकिन भारत ने चीन के दौरे को रद्द किया। पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान भी इस मुद्दे पर विवाद हुआ था। शाहरुख खान की डंकी फिल्म जो क्रिसमस पर रिलीज होगी ओटीटी राइट्स बेच दी है। डील की कीमत 155 करोड़ है और फिल्म रिलीज से पहले ही बड़ा धन बना चुकी है। इस फिल्म में शाहरुख खान और तापसी पन्नू हमें एक साथ दिखने को मिलेंगे। जेपी सांसद रमेश बिदोड़ी द्वारा खुद को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने पर बसपा सांसद कुंवर दानिश अली आहत हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस सदन को छोड़ने का विचार करूंगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की एक ब्रांच ने गलती से जिनके खाते में केवल 105 रुपए थे चेन्नई के कैब ड्राइवर के खाते में 9000 करोड़ रुपए जमा कर दिए। ड्राइवर ने पहले सोचा कि यह फ्रैंक या स्पैम मैसेज है लेकिन बैंक द्वारा 21000 रुपए उसके दोस्त के खाते में ट्रांसफर करने के बाद बैंक ने शेष रकम वापस ले ली। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 277 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। शुभमन गिल और ऋतुराज ने अपनी बैटिंग में क्लास दिखाई और अर्धशतक ठोका। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी हुई और उन्होंने जोखिम उठाए बिना तेजी से रन बटोरे। हम फिर से लौटेंगे थोड़ी ही देर बाद एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बस हमारे साथ बने रहें।